वेलकम टू कैप्टन आई डिफेंस। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग? क्या आप एक स्टूडेंट हो? क्या आप 11th में पढ़ते हो? क्या आप 10th में पढ़ते हो? क्या आप 12th में पढ़ते हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। आज की जो हमारी वीडियो की हेडिंग है, हेडिंग क्या है? 2020 की पढ़ाई, मतलब आने वाला जो फ्यूचर है उसमें पढ़ाई कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ना तो सब चाहते हैं, ठीक है, वैसे खुद नहीं पढ़ना चाहते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, मतलब ज़बरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट ही होते हैं जो अच्छे परसेंट बना पाते हैं, अपना फ्यूचर जो है उसको अच्छे से एक तरीके से पूरा डिज़ाइन कर पाते हैं, पहले ही अपना जो गोल है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। और जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास ये 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप लोगों का भी मन नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, आलस आते हैं। हाँ बिल्कुल, आलस आते होंगे, तो आज के बाद आपको आलस नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है स्टूडेंट्स के पास, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। हाँ नहीं उठा जाता, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर फोर आता है, समय नहीं मिलता। हाँ समय नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, आप हमेशा बिजी रहते हो, इसलिए आपको समय नहीं मिलता। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और मेरे पास 26 घंटे हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आज से आपको भी 26 घंटे मिलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर फाइव आता है, हम पढ़ाई क्यों करें? हाँ पढ़ाई क्यों करें, वैसे ही बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या होता है, जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बेटा आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आपके टेस्ट जो टेस्ट होते हैं उनमें मार्क्स कम क्यों आते हैं, आपके परसेंट कम क्यों बनती है, तो बच्चे का अधिकतर जो आंसर होता है वो क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मन क्यों लगेगा यार, मन क्यों लगेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास जिनमें हमारा मन लगता है। चलिए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं जिनमें मन लगता है। जैसे क्या है हमारे पास, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, मोबाइल फ़ोन है, गाने सुनना है, वीडियो देखना है, कॉमेडी वीडियो देखना है, इधर उधर ताक झांक करना है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें जब आपको मिल जाए तो फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। और पढ़ाई तो एक बोरिंग है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनकी वजह से, ठीक है। अब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगने को इसको हम डिटेल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बच्चों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को मजा आएगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा मन लग रहा है, टिकटॉक में हमारा मन लग रहा है, वीडियो बनाने में हमारा मन लग रहा है फालतू की, इधर उधर मस्ती करने में हमारा मन लग रहा है, इधर उधर ताक झांक करने में हमारा मन लग रहा है। लेकिन आप एक बात भूल जाते हो, एक बात क्या होती है कि जिस जगह पे आप खड़े हो, अभी जिस पोजीशन पे आप हो, चाहे आप सपोज करो 12th क्लास में पढ़ते हो या 10th क्लास में पढ़ते हो, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कैसे आए आप, यहाँ पर कैसे आए? इसका रीज़न है आपके माँ और बाप। कहने का मतलब है इनकी वजह से आप आज 12th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो किन की वजह से है, आपके माँ बाप की वजह से है। और अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे रहते हो, आपके पास बाइक है, कार है, तो किन की वजह से है, अपने माँ बाप की वजह से है। अब ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपके माँ बाप आपके पापा उनको देखो, डेली उठ के सुबह किसी न किसी जॉब पे जाते होंगे और जॉब करते हैं, क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब। मुझे एक बात बताओ, ये जॉब किस लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं क्या? नहीं, उनके लिए नहीं करते, आपके लिए करते हैं। अब देखना, आपके पापा का भी जॉब में मन नहीं लगता, जॉब में मन नहीं लगता, नौकरी करने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उनका मन? क्योंकि वो भी तो व्हाट्सएप चला सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि उनका मन नहीं, मतलब मन नहीं लगता। तो मन उनका किस में नहीं लगता, जॉब में नहीं लगता। मन किस में लगता, व्हाट्सएप में लगता है, टिकटॉक चलाने में लगता है, घर पे छुट्टियां करने में लगता है, तो उनका भी मन लगता है, लेकिन फिर भी जॉब क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर है आप लोगों के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ, आप एक अच्छी पढ़ाई कर पाओ। जो आपके माँ बाप कर रहे हैं वो आप ना करो, आप कोई और अच्छा काम करो जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो देखो बच्चों,
पढ़ाई में जैसे आपका मन नहीं लगता, वैसे आपके माँ बाप का मन भी किस में नहीं लगता, काम करने में नहीं लगता। आपके माँ बाप का मन नहीं लगता कि वो नाइट ड्यूटी करे, लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों के लिए। उनका मन भी नहीं लगता कि वो नौकरी पे जाए, उनको भी आलस आते हैं, सुबह सुबह उठा नहीं जाता, फिर भी सुबह 8 बजे उठकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, फिर टाइम से वापस आते हैं। उनको उनका भी मन नहीं लगता यार, वो भी चाहते हैं कि घर पे हम भी देर रात तक मतलब सोए 12-1 बजे तक पबजी वगैरह खेले, उसके बाद में सुबह 11-12 बजे उठे। अगर वो ऐसा करने लग जाएंगे ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी क्रॉस समझ लो, कोई मतलब नहीं। आप अच्छा नहीं पहन पाओगे, अच्छा खा नहीं पाओगे, आपको खाना तक नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ वो किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए। तो एक बार ध्यान से सोचो यार, जिनकी बदौलत आप यहाँ पे हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो, और आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप ने ऐसे कैसे छोड़ रखा है कि बेटा हो जाओ पढ़ो, आपकी कोचिंग लगाते हैं, आपके लिए बुक्स लाते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, आपके लिए मोबाइल फ़ोन दिलवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, सब कुछ जितनी भी फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल करवाई जाती है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो। इसका रीज़न है आप वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ की। जब आप खुद अपने पैरों पे उस चीज़ को आते हुए देखोगे तब आप समझोगे। लेकिन अगर आप अभी समझ जाते हो, अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाते हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो आज से आप मन लगाने की कोशिश करना अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि किसी का भी जो माँ बाप कौन है, एक इंसान है, कभी न कभी वो भी एक स्टूडेंट होंगे। तो सपोज़ करो यार, जब सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद अपनी जॉब पे जाते हैं, उनका भी मन नहीं लगता होगा। पूछना कभी अपने माँ बाप से कि पापा क्या आपका मन लगता है सुबह 8 बजे ऑफिस जाने में? आप जल्दी उठते हो 5 बजे, क्या आपका मन लगता है जल्दी उठने में? क्या आपकी नींद खुल जाती है? पापा आप देर रात तक घर पर आते हो, आप 8-9 बजे घर पर आते हो, क्या आपका मन नहीं करता कि आज तो जल्दी घर पे चलूँ? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं आज घूमने जाऊँ? करता है, ठीक है। जब वो बोलेंगे ना, उनका आंसर जब सुनोगे तो मन करता है। लेकिन आप लोगों के लिए वो क्या करते हैं? जॉब पूरे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। जब वो किसी काम को अपना 100% दे रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तब भी वो अपनी जॉब करते हैं, जब वो अपने काम को पूरे 100% तरीके से कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो क्लियर होना चाहिए। उनका क्वेश्चन मार्क क्लियर है क्योंकि आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, आपको अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना है, उनका गोल है। लेकिन आपके पास कोई गोल नहीं है, तो अपना गोल बनाओ, तभी जाके आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और मन वन कुछ नहीं होता, मन लगने लग जाता है अगर आप अच्छे से बैठ कर पढ़ाई करो तो। अपने जो व्हाट्सएप हैं, जो मोबाइल हैं, इन सबसे दूरियाँ बना लो, उसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठो। देखो टाइम आपके पास बहुत कम है, आपके जो एग्ज़ाम है, जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, जो 12th वाले स्टूडेंट हैं, आपके बोर्ड हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और आपका मन नहीं लगता होगा पढ़ने में। क्यों नहीं लगता होगा? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मन लगने के लिए हमारे पास वैसे ही बहुत कुछ है, तो पढ़ाई में मन क्यों लगेगा। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर हो, जैसे हमारे माँ बाप का गोल क्लियर होता है, तो वैसे ही आपका भी मन लगने लग जाएगा। देखो किसी दिन आपका मन करता होगा कि यार आज मैं कोचिंग ना जाऊँ, ठीक है, आज मैं कोचिंग ना जाऊँ, आज तो मैं लेट हो गया, 8 बज गए, आज मैं कोचिंग नहीं जाने वाला, ठीक है। वैसे भी क्या होगा, 2 टीचर पढ़ाएंगे, 1 आएगा नहीं, ऐसा आप सोचने लग जाते हो। लेकिन कभी आपके माँ बाप ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। वो बिल्कुल ये सोचते हैं कि अगर यार मैं एक दिन नहीं गया ना, अगर मैं आज जॉब पे नहीं गया, तो आज की सैलरी मेरे कट जाएगी, और इसी डर की वजह से वो जॉब पे जाते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार एक क्लास मेरी मिस हो गई, बाकी 2 क्लासें तो हैं आपके पास, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, जो 2 क्लासें हैं उनको तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप आज नहीं जाओगी तो 2 क्लासें गई, आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, इस बात को आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, तब जाके आपका मन लगेगा। आपके माँ बाप का जैसे मन लगता है अपने काम को करने में, सुबह सुबह यार सोचो, आपके माँ बाप, आपकी मम्मी सुबह सुबह आपके लिए टिफिन बनाती है, पराठा बनाती है, क्या उनका मन लगता है? क्या पूछना उनसे कभी कि मम्मी जो आप मेरे लिए टिफिन बना रहे हो, जो पराठा बना रहे हो, मेरे लिए चाय बना रहे हो सुबह सुबह, क्या आपका मन लगता है सुबह सुबह सब कुछ करने में? अब ठंडे ठंडे हाथ होते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है, वो बोलेगी बेटा नहीं लगता, लेकिन बेटा आपके लिए करना पड़ता है, ठीक है। किसके लिए करना पड़ता है? बेटा आपके लिए करना पड़ता है। तो सोचो, जब वो माँ बाप आपके भगवान हैं, सबसे बड़े भगवान हैं, आप उनको देख के यार कुछ तो सीख सकते हो। सोचो आपके लिए कर रहे हैं वो, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। और पता है क्या चाहते हैं वो? सिर्फ आप लोगों से इतना चाहते हैं कि बेटा आप 10th क्लास में और 12th क्लास में एक अच्छी परसेंट बना के देना, जितना हम लगा रहे हैं, उसके बदले में सिर्फ परसेंट मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते आप लोगों से। तो यारो मेरा आपसे यही कहना है,
कि आप पढ़ाई में मन लगाए, फालतू की जो चीज़ें होती है उनमें मन ना लगाए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने क्लियर कर दिया। ऐसे बहुत बड़ा मैं इसको आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आलस आते हैं, आलस आते हैं, आलस आपके माँ बाप को भी आते हैं, लेकिन फिर भी सुबह, जैसे आलस कैसे आते हैं, सुबह सुबह, अरे यार आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं काम पे जाऊं, लेकिन फिर वो सोचते हैं अरे यार बेटे की कोचिंग की फीस जमा करनी है, और फटाक से उठकर नहा धोकर ऑफिस जाते हैं, अपने काम को करते हैं। तो आलस जैसे आपको यहां पर आते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं सोचते, आप सोचा करो कि आपके एग्जाम है यार, पेपर है, हमें पढ़ना चाहिए, आलस वालस कुछ नहीं होते, उठो फटाक से मुंह धो और पढ़ाई में लग जाओ। तो आज से आपको आलस नहीं करने हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। जब भी आपको लगे कि मुझे यार ऐसा वैसा फील हो रहा है, तो आप एक बार सोचो, गहराई से सोचो कि आज दिन तक कितना कुछ किया है उन लोगों ने आपके लिए, और आप आलस बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आलस आ रहे हैं आप लोगों को, बहुत गलत बात है कि नहीं, आप कमेंट करके बताना कि ये गलत बात है या सही बात है। तो आज से आपको आलस नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो इसका तो बोर्ड ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम क्या है देखते हैं। सुबह उठा नहीं जाता, अभी है सर्दियों का टाइम, किसका टाइम है, सर्दियों का टाइम, किसी से भी नहीं उठा जाता, किसी से भी पूछना सुबह नहीं उठा जाता। तो क्यों नहीं उठा जाता, बहुत सारे सोचते हैं अरे सर्दी लगती है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप नाइट को सोते हो और सुबह आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 5 से लेकर 4, 5, 6, 7 जो 3-4 घंटे होते हैं ना, इनमें काफी ज्यादा सर्दी का एहसास होता है। किसका एहसास होता है, सर्दी का, सर्दी का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है। और उस टाइम पे जब आप आंखें खोल के आप मोबाइल में देखते हो, तो पता चलता है कि 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं। अब उस टाइम पे अगर आप उस टाइम को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सुबह खुद गॉड भगवान आपके पास आते हैं सर्दी का रूप लेके, और आपको जगाते हैं कि बेटा उठ जाओ, जो सर्दी होती है ना इसीलिए लगती है आप लोगों को, क्योंकि भगवान खुद आते हैं और आपसे बोलते हैं बेटा उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया, उठ के और पढ़ाई करो। लेकिन आप सोचते हो अभी तो 5 बजे यार सर्दी लग रही है, एक और कंबल ऊपर से डाल लेते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सोचो खुद भगवान आपके पास आते हैं आपको उठाने के लिए सुबह मॉर्निंग को, और बोलते हैं बेटा उठ जाओ और उठ के पढ़ाई करो। क्योंकि जब हम सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो जो सुबह का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड जो दिमाग, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, और पूरे दिन की अपेक्षा सुबह सबसे ज़्यादा एक तरीके से वो याद करने में सक्षम होता है। भाई दिन भर जब काम करते हैं तो माइंड थक जाता है, और अगर नाइट को पढ़ते हैं तो इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, लेकिन सुबह सुबह कोई लोड इसके ऊपर नहीं होता, और जो भी आप याद करोगे वो बिल्कुल आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। आप अगर नाइट के 2 घंटे पढ़ते हो और सुबह के ओनली 45 मिनट पढ़ते हो, तो ये इक्वल हैं, बराबर हैं। क्यों हैं बराबर, क्योंकि सुबह आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो एक बार भगवान की सुन लिया करो, जब भगवान 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं, और आप लोगों को सर्दी लगती है, इसका मतलब सोच लो कि भगवान आए आपको उठा रहे हैं, और उठ जाओ और उठ के नहा धोकर पढ़ाई में लग जाओ, आपका मन लगेगा और आपको याद भी ज़्यादा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, इफेक्ट जो है बिल्कुल सही इफेक्ट है। सुबह जल्दी उठना सीखो, किसके लिए, अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। क्यों, ये भी आंसर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता किसी को भी, मुझे भी नहीं मिलता, ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए समय निकाला। तो समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। समय कैसे निकालोगे, अपने टाइम टेबल को मैनेज करके। ऐसा नहीं है कभी भी पढ़ने लग गए, जब मन कर रहा था तब पढ़ लिया, जब मन किया तब पबजी खेल लिया। अगर आपके पास बिल्कुल अच्छे से टाइम टेबल है पूरा का पूरा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने टाइम को निकाल सकते हो। एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आप 1 मिनट गंवाते हो, 1 मिनट अगर आप गंवाते हो, तो इसका मतलब है आपने 60 सेकंड फालतू में बर्बाद कर दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे आप पेपर देते हो, उस टाइम पे 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कि एक्वारेजिया क्या होता है, सपोज करो, अब 1 मिनट में इसका आंसर याद कर सकता था बच्चा, लेकिन उसने एग्जाम से पहले याद नहीं किया, ऐसे जाने कितने एक मिनट उसने गवा दिए। अगर आपको कोई भी 1 मिनट भी अगर आपको मिलता है उस टाइम पे, अगर आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर लेते हो, तो सपोज करो अगर वही डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ गई, तो उस 1 मिनट की वैल्यू समझो।
एक नंबर का क्वेश्चन, तो एक मिनट की वैल्यू एक नंबर हो गई, इस बात को समझने की कोशिश करो। अपने एक एक मिनट को इम्पोर्टेंस दो, अपने एक एक सेकंड को इम्पोर्टेंस दो। ऐसा नहीं है 10-10 घंटे तक बैठ के हम बस सिर्फ बातों में हमारे टाइम को उड़ा रहे हैं, या 6-7 घंटे की जगह हम 10-12 घंटे सो रहे हैं। तो टाइम तो तुम लोगों को निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 24 घंटे हैं आपके पास तो किसी और के पास 26 घंटे होंगे, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं उनके पास 26 घंटे होंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके पास टाइम बराबर होता है, बस टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम निकालना सीखो, टाइम निकालना सीखो, अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट मैनेज करो कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको टाइम टेबल मैनेज करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हम पढ़ाई क्यों करें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। पढ़ाई क्यों करें, किसी के पास है आपके पास क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, पढ़ाई क्यों करें, किसी के पास है आपके पास आंसर तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। अगर आपको आपसे अगर कोई बोलता है कि बहुत सारे पढ़ गए उन्होंने क्या किया है, बेटा तू भी मत पढ़, ठीक है, तो आप उसकी बातों में आ जाते हो और आप उसकी बातें सुनते हो। लेकिन आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि जो पढ़े लिखे हैं उनको देखो, वो आज IBPS है, मतलब IAS हैं, ऑफिसर हैं, पुलिस हैं, आर्मी में हैं, वो पढ़ने के बाद ही तो बने होंगे। लेकिन उन्होंने सच्ची मेहनत से, सच्ची लगन से पढ़ाई की थी, तब जाके उन्होंने अपना गोल अचीव किया है। कोई तो कलेक्टर हैं, कोई इंस्पेक्टर हैं, क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या की थी, पढ़ाई की थी। अगर आप भी पढ़ाई करोगे तो आप भी अच्छे से मन लगा के और पूरा अपना 100% दोगे। मतलब ऐसे नहीं करना, मक्कारी करना जिसको बोलते हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। आपको बिल्कुल अपना पूरा 100% देना है। 100% देने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई टीचर होता है वो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता है, पूरी अपनी एक घंटे की क्लास अगर वो लेता है तो आपको एक घंटा पूरा देता है, अच्छे से समझाता है। नोटिस किया करो इस बात को, सपोज करो, क्योंकि वो दूसरे सामने वाले से पैसा ले रहा है, इसलिए आपको एक घंटे को पूरा दे रहा है, 100% दे रहा है। तो आप भी 100% देना सीखो। कैसे सीखो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है तो आप भी अपना 100% देना सीखो, 100% पढ़ाई करना सीखो। मैंने आपको बताया था कि जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई पढ़ाई मतलब क्या होता है, पढ़ाई आपका फ्यूचर है, भविष्य है। भविष्य फ्यूचर कैसे है इसको समझते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी, वापस से सुनते हैं स्टोरी को शॉर्ट में। स्टोरी क्या थी कि एक कारीगर था, कारीगर आप सभी जानते हो, कारीगर क्या होता है, जो मकान बनाता है। और एक था बिल्डर, बिल्डर जानते हो, जो ठेके वगैरह लेता है मकान वगैरह के। अब जो कारीगर था, काफ़ी टाइम से उसी के पास काम कर रहा था, किसी बिल्डर के पास 30-40 साल उसने अपनी ज़िंदगी के उन्हीं के पास काम किया, अच्छे अच्छे मकान बनाए अपनी लाइफ में। और जब उनका बुढ़ापा आ गया, जब वो 60-70 साल के हो गए, कौन, वो कारीगर, तो कारीगर के जो बेटे थे वो भी बड़े हो गए, वो कमाने लग गए। तो कारीगर सोचने लगा कि यार मैं कहाँ तक काम करूँगा, मैं कहाँ तक मकान बनाऊँगा, अब बस करता हूँ, अब मेरे से कुछ और नहीं होता, अब मैं आराम से अपनी चैन की ज़िंदगी जीऊँगा। तो कारीगर क्या करता है, बिल्डर के पास जाता है और बोलता है कि बिल्डर साहब, अब बहुत हो गया मेरे से काम, अब मैं मकान नहीं बना सकता, अब मैं मकान नहीं बना सकता, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। तो पता है बिल्डर क्या बोलता है, बिल्डर बोलता है कि कारीगर जी, आप एक और मकान बना लो अपनी लाइफ का, उसके बाद में मत बनाना। तो कारीगर सोचता है कि चलो ठीक है, 6 महीने और सही। और जो बिल्डर होता है उसको बता देता है कि इस जगह पे आपको मकान बनाना है, ऐसा वैसा मकान आपको बनाना है। अब जब लास्ट में जो कारीगर होता है, जो सोचता है, वो जब मकान बनाता है तो सोचता रहता है, अरे यार मेरे लास्ट के 6 महीने हैं, फटाफट मकान बनाता हूँ, उसके बाद में मैं भी घर वालों के साथ घूमूंगा, मेरे घर वालों के साथ फिरूंगा इधर उधर, मज़े करूंगा। तो जो मकान बनाता है ना लास्ट में, उसका मन मकान बनाने में नहीं होता, उसका मन कहाँ पर होता है, अपने घर वालों के पास होता है। और जब वो मकान बनाता है तो अपना 100% नहीं दे पाता है, ठीक है, और वो मकान को बस नॉर्मल तरीके से बना देता है, कहीं पर थोड़ी सी गलती भी हो जाती है, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि यार मेरी लाइफ का लास्ट मकान है, मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा कारीगर हूं, और बना के खत्म करता है मकान को और जाता है बिल्डर के पास। और बिल्डर जी से बोलता है कि बिल्डर जी, जो आपने मकान मुझे बनाने के लिए दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, सब कुछ रेडी हो गया, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो बोलता है कि चलो देखने चलते हैं। जब देखने जाता है बिल्डर तो उस मकान को देखता है, जब वो उस मकान को देखता है तो बिल्डर को पता चलता है कि जो ये दीवार है सीधी की जगह कैसी है, टेढ़ी है थोड़ी सी, जो छत है जितनी आगे होनी चाहिए उतनी आगे नहीं है, जो कलर है वो बिल्कुल भद्दा भद्दा सा किया हुआ है, जो उसमें नीचे फ्लोर है वो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, मतलब उसमें एक तरीके से उस कारीगर ने अपना 100% नहीं दिया, और वो जो मकान बनाया था उसने बिल्कुल ऐसे बेकार बना दिया, कहने का मतलब है। और जब वो घर से, मकान से वापस बाहर आते हैं, तो बिल्डर क्या करता है, एक की निकालता है अपनी पॉकेट में से
और उस कारीगर को देता है कि कारीगर साहब जो मकान आपने बनाया है मैंने आपके लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? आपके लिए बनवाया था। तभी उसी वक्त उस कारीगर को इतना बड़ा एहसास होता है, बहुत ज़्यादा। सोचो अगर उस कारीगर को पहले पता होता कि ये मकान मेरे लिए बना रहा हूँ तो इस मकान को जिन लोगों के मकान बनाए ना उनसे भी अच्छा बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। तो ऐसे ही आपको भी पता नहीं है अभी कि जो आप बना रहे हो, पढ़ाई जो आप कर रहे हो, ये जो फ्यूचर बना रहे हो आप अपने लिए बना रहे हो, ना कि मेरे लिए, ना किसी और के लिए, आप खुद का फ्यूचर बना रहे हो। तो क्यों टेढ़ी मेढ़ी दीवारें बनाई जाए? हम इसको बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं, अच्छा मकान, अच्छी बिल्डिंग हम बना सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। यहाँ पर वहाँ पर कंडीशन क्या आती है उस स्टोरी में कि कारीगर को पता नहीं था, कारीगर को पता नहीं था कि ये मकान मेरे लिए बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो आप फ्यूचर बना रहे हो, जो आप मकान बना रहे हो पढ़ाई करके, ये आपके लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अगर आपकी मार्कशीट में कल को 95% आती है तो वो आपकी होगी, ना कि मेरे बनी है 95, किसके बनेगी? आपके बनेगी। तो यार ये तो आपका फ्यूचर है, आप अपने मकान को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मेहनत से, पूरी लगन से बनाएं। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया हो गया काम। तो आज से आप लोगों को टाइम टेबल फॉलो करना है, जो नया साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, इस पर कुछ बुरी आदतें आप लोगों को त्यागनी है, कुछ नई आदतें आपको अपनानी है। यार यही तो टाइम है हमारे पास, 1-2 महीने हैं 10th और 12th वाले स्टूडेंट के पास। आप इसके अंदर जो करना चाहो वो कर सकते हो, इसके अंदर आप अपनी बिल्डिंग को बिगाड़ सकते हो या फिर अपनी बिल्डिंग को बना सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 महीने की मेहनत है, 2 महीने मेहनत कर लो फुल, बस उसके बाद में आपका रिजल्ट आपके पास होगा, सारे फैमिली वाले खुश होंगे, या फिर उस दिन को याद करो जब आपका रिजल्ट आएगा और बहुत सारे बच्चों के लिखा होगा फेल, उस दिन क्या फील होगा? साल भर की मेहनत बर्बाद जाएगी कि नहीं जाएगी? या परसेंट कम बनेगी तो उसको खुद को भी बुरा लगेगा, उसके जो फैमिली वाले होंगे उनको भी बुरा लगेगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बस 2 महीने की मेहनत है, 2 महीने फुल मेहनत कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपका मकान है और आपका मकान अच्छा बनना चाहिए, ना कि बुरा। सब देखें कि मकान तो यार उनका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड जो मैंने बोले अगर आप लोगों को बुरे लगे हैं तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। बस आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। देखो आप वीडियो को शेयर करोगे तो आपकी वजह से जाने कितने स्टूडेंट का फायदा हो सकता है। सोचो अगर आपने वीडियो को शेयर किया, जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो पढ़ने लग गए और आपकी वजह से उनकी अच्छी परसेंट बन गई, तो उसका जो पुण्य मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा। तो थोड़ा सा भी ना हिचकिचाए वीडियो को शेयर करने में। सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, सभी बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।